भाभी ये आपका कमरा है, आज से आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा मेरा? इतने बड़े कमरे में तो मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं अकेली रहूंगी? हाँ भाभी, अब जाओ आप आराम करो। अरे तुम सो रही हो क्या? हाँ, वो ननद जी ने बोला था कि आराम करो तो मैं सो गई। उठ के बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं बैठी रहती हूँ। सुनो ना, पानी कहाँ मिलेगा? मुझे ना बहुत प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लाना। ये लो। अब जाके तनिक थोड़ा कलेजों को ठंडक मिली है, शुक्रिया। माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाय लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई है। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहां मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहां ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में।